सुकमा से अहम खबर आपको बता दें, ताड़मेटला मुठभेड़ मामले को लेकर सुकमा जिला बंद। समाजवादी समाज ने बंद का आह्वान किया है। ताड़मेटला मुठभेड़ मामले को लेकर सुकमा जिला बंद। सर्व आदिवासी समाज ने बंद का आह्वान किया। सुकमा जिला मुख्यालय की सभी प्रतिष्ठानें बंद है। वहीं सर्व आदिवासी समाज ने लगाया है फर्जी मुठभेड़ का आरोप। तो अहम खबर आपको बता दें, सर्व आदिवासी समाज ने फर्जी मुठभेड़ का आरोप लगाया है। ताड़मेटला मुठभेड़ मामले को लेकर सुकमा जिला बंद है। सर्व आदिवासी समाज ने इस तरह से बंद का आह्वान किया है। सभी प्रतिष्ठानें बंद है सुकमा जिला मुख्यालय की। तो समाज ने फर्जी मुठभेड़ का आरोप लगाया है। इस तरह से पूरा मुठभेड़ का मामला सामने आया था। इसके बाद अब ये कह रहा है सर्व आदिवासी समाज की मुठभेड़ का जो आरोप है वो फर्जी है। सर्व आदिवासी समाज ने इसी की जद्दोजहद में बंद का आह्वान किया है, बंद बुलाया है और सभी प्रतिष्ठानें इसी कड़ी में बंद की है। लीलाधर राठी, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। लीलाधर, क्या जानकारी, क्योंकि अब इसका बंद का कितना असर दिख रहा है? देखिए, जो सर्व आदिवासी समाज है उसके द्वारा बंद का आह्वान किया गया है। खासतौर पर ताड़मेटला में जो पिछले दिनों मुठभेड़ हुई थी जिसको लेके उसके विरुद्ध में बंद किया गया था, और जो सर्व आदिवासी समाज है उनका कहना है मुठभेड़ पूरी तरह फर्जी। हालांकि पुलिस तरफ से दावा किया जा रहा है बार बार कि मुठभेड़ सही हुई थी और सर्चिंग अभियान के दौरान दो नक्सलियों को मारा गया था, लेकिन उसके बाद भी सर्व आदिवासी समाज लगातार आक्रोशित है और उसने सुकमा बंद का आह्वान किया, और जिसको लेकर सुकमा बंद लगभग पूरी तरह से बंद है और जो जितनी छोटी बड़ी दुकानें हैं जो सभी बंद है, और खासकर जो आवश्यक सुविधाओं को छोड़कर सभी लगभग बंद है। हालांकि ये जो यातायात है, जो वाहन है वो चल रही है, उसमें किसी प्रकार को बाधित नहीं है। लेकिन लीलाधर, सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार ये फर्जी मुठभेड़ का आरोप क्यों लगा रहे हैं? देखिए, जो सर्व आदिवासी समाज है खासतौर पे, और उसके अलावा जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जो पूर्व विधायक है मनीष कुंजाम ने भी इस बात को लेकर काफी नाराजगी जाहिर की थी और वो वहां पहुंचना चाहते थे, लेकिन उनको सुरक्षा कारणों से पुलिस ने रोक दिया था। लेकिन जिस तरह से सर्व आदिवासी समाज ने अभी बस्तर संभाग में पिछले दिनों धरना भी दिया, इस बात को लेकर इसकी जांच की जानी चाहिए। हालांकि जो मंत्री है कवासी लखमा, उन्होंने मजिस्ट्रेट जांच की जरूर घोषणा की, लेकिन उससे वो संतुष्ट नहीं है। उनके कहना था कि कोई रिटायर्ड जज हो या अन्य कोई समिति हो उसके माध्यम से जांच कराई जानी चाहिए, क्योंकि इसमें की गुंजाइश है। जी, तो ताड़मेटला मुठभेड़ का पूरा मामला जिसमें सर्व आदिवासी समाज ने बंद का आह्वान किया। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।